रतलाम जिले के कालूखेड़ा में पूर्व कृषि मंत्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के अनुज के सिंह कालूखेड़ा की अध्यक्षता में सिंधिया समर्थकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कई वर्षों से स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर कालूखेड़ा में सिंधिया समर्थकों ने बैठक बुलाई और बताया कि पहले हम कांग्रेसी थे, लेकिन महाराज सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद हम भी महाराज सिंधिया के साथ में भाजपा में सम्मिलित रहेंगे। वही कार्यकर्ताओं में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कोरोना वायरस बताया गया। भारत देश में जो चल रही कोरोना वायरस को देखते हुए कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामते ही कांग्रेस पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहले भी कांग्रेस को तोड़ने का काम किया और आज भी सिंधिया का चेहरा बताकर मध्य प्रदेश में अन्य चेहरों को मुख्यमंत्री बना दिया। इन्होंने कांग्रेस की सरकार तो बना ली थी, लेकिन सिंधिया द्वारा इस सरकार को गिराई भी गई और पुनः भाजपा में सम्मिलित होकर नई सरकार बनाने की तैयारी में है। सभी कार्यकर्ताओं ने बताया कि सिंधिया समर्थक में स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा और उनके अनुज के सिंह कालूखेड़ा के साथ थे और हम रहेंगे। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। अगर वो होते तो निश्चित रूप से महाराज महेंद्र सिंह साहब को ही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते, लेकिन समय से पहले ईश्वर ने ले लिया उनको, इसलिए फिर ये इतिहास दोहरा रहे हैं कि जो मान सम्मान ज्योतिराज महाराज को मिलना था वो नहीं मिल पाया और बड़े ही दुखी मन से, और जो कांग्रेस के कर्ता धरता है केंद्र के अंदर, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से मजबूरी में उनको ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। और ऐसी घड़ी में हमारे साथ के साहब ने भी जो फैसला लिया, तो हम सब उनके साथ हैं। जिस तरफ आपकी सारी जिंदगी से कह रहे थे कालूखेड़ा साहब के साथ, कालूखेड़ा के साथ, और आप ठूंके जाएंगे क्या कि कालूखेड़ा के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ, कौन सी कांग्रेस कौन सी बीजेपी, मैं तो कालूखेड़ा साहब का वफादार हूं, ठूंके जाने वाले, और अगर जो कालूखेड़ा के साथ में आएंगे वो गद्दारों की श्रेणी में आएंगे, ये बात मैं बोलूंगा सार्वजनिक मत, क्योंकि अपने छोटे से बच्चे थे वहां से 50 साल तक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा साहब के साथ रहे, अब उनका भाई के साथ रहेंगे, परिवार को छोड़ने वाले दोगले कहलाते हैं, और दोगलों की गिनती में कोई भी कालूखेड़ा परिवार से नहीं आएगा, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ वफादारी करेंगे, जो वो कहेंगे वो कहेंगे। अपने से तो मध्य प्रदेश शासन में मंत्री इमरती देवी मान है, जो बोली महाराज कुएं में कहेंगे तो कूद जाएंगे, हुआ तो की अगर रहेंगे केके साथ के साथ, दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। और कांग्रेस के दत्तारों से मैं एक बार सार्वजनिक कहना चाहता हूँ, आज के बाद मुझे ना पूछे कि तुम कहाँ हो, मैं कालूखेड़ा परिवार के साथ हूँ और रहूंगा। आदरणीय केके साहब से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी भाई लोग हैं, अगर कुछ काम का गए तो आप तुरंत कर देंगे, बस मेरा यही निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी केके साहब के निर्देशन में सदस्यता ग्रहण करने के लिए मंजूर है। जय जय भारत, जय केके साहब, जय ज्योतिरादित्य। सुबह वो पहले पहुंचे तो वहाँ से मुझे गिरफ्तारी मिली, 6 महीने वो फिर जब देख महाराज सिंधिया जी आपस में जब कांग्रेस में ज्वाइन हुए तब महेंद्र सिंह साहब भी उनके साथ, उसके पहले की भी एक घटना है, उस समय राजमाता सिंधिया जी की भी गिरफ्तारी हुई थी, और फिर जब नया नई सरकार बनी, जनता दल बना है, जनता पार्टी बनी, उसके बाद जब विधायकों का चुनाव हुआ, फिर से राजमाता साहब को बोला कि आप को जनता पार्टी से लेंगे, साहब ऐसे स्कूटर से नहर में गए, साहब ने राजनाथ साहब से कहा कि आज आपने मुझे बड़े महाराज के साथ काम करने का बोला था, आप आदेश दे दो मैं आपके साथ हो जाता, तभी राजनाथ साहब ने कहा कि नहीं नहीं आप महाराज को भैया जी भैया कहते हैं, बोले नहीं आप भैया के साथ ही, उस बात पर सरकार ने महाराज ने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस के साथ फिर साहब विधायक, उसके बाद
बड़े महाराज ने भी कांग्रेस के अपने तमाम धन के साथ काम किया, फिर उनका स्वर्गवास हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज बने और उन्होंने भी कांग्रेस में एक काम कर। आज और तब समय से जो वायरस था वो लगातार बड़े महाराज को भी उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, उसी वायरस ने महेंद्र सिंह साहब को भी आगे नहीं बढ़ने दिया, जबकि सबसे ज़्यादा वरिष्ठता उनकी थी। और उसके बाद जब अभी महाराज का समय आया उनके कारण से ये सरकार बनी, उसके बाद फिर ये वायरस आड़े आया और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया और राज्यसभा में भी दूसरी जनता का टिकट देने का प्रयास। और इस कारण से महाराज के आत्मसम्मान पर चोट पहुंची और बड़े भारी दिल से भारी मन से उन्होंने ये निर्णय लिया कांग्रेस को। मैं उन 22 लोगों का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो दृढ़ता दिखाई है विष्णु भाई महाराज के प्रति, आज हम एक सरपंच को बोलते हैं कि आप अपने पंच का इस्तीफा दिलवा दो, गैर मुद्दा दिलवा दो, तैयार नहीं होते। उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी, उन्होंने मंत्री पद छोड़ी और दृढ़ता के साथ आज एक महिला मंत्र विधायक ये कहती है कि महाराज कहेंगे हम कुएं में गिरने, और उनका जो बलिदान है उसके सामने अपना बलिदान अपना कुछ भी नहीं। महाराज को ये निर्णय देना पड़ा और लोग सब कांग्रेस छोड़ जाए, हमें ये ध्यान रखना है कि कोई कुछ भी कहे हमें। महेंद्र सिंह साहब ने हमको यही सिखाया कि हम अपनी शालीनता बनाए रखें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।